जय श्री राम दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में हम हमारे नए घर की यादें और तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। हमने नौरिया कॉलोनी में नया घर बनाया है, ये उसके मुहूर्त की तस्वीरें हैं। इस दिन हमने घर में श्री रामायण जी का पाठ रखा और सभी रिश्तेदारों एवं मित्रों को आमंत्रित किया और हमारी खुशी में हमारा साथ देने वह सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ आए और साथ में हमारे लिए बहुत ही प्यारे और बेशकीमती उपहार भी लेकर आए। सभी के लिए खाने पीने का बढ़िया प्रबंध किया गया, खाने में बढ़िया स्नैक्स साथ में चाय कॉफ़ी आदि का प्रबंध किया गया और फिर सभी ने अंदर जाकर दरबार में माथा टेका। घर की लॉबी में बहुत ही सुंदर दरबार लगाया गया, प्रभु श्री राम की बहुत ही सुंदर वहां पालकी सजाई गई। वहां सभी ने माथा टेका और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। घर के बाहर बहुत ही सुंदर टेंट लगाया गया, जहां खाने पीने की व्यवस्था की गई। वहां से खाना खाकर सभी लोग अंदर की ओर आते गए। अंदर लगातार प्रभु श्री राम का कीर्तन चल रहा था। सभी लोग कीर्तन में बैठते रहे, अपनी हाजिरी लगाते रहे। ये आप देख सकते हैं घर में हो रहे कीर्तन की तस्वीरें। पापा के सभी फ्रेंड और जो उनके टीचिंग स्टाफ के मेंबर थे, सभी आ रहे थे और साथ में बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे और सुंदर सुंदर गिफ्ट हमारे लिए ला रहे थे। सभी अपना अपना गिफ्ट बहुत ही प्यार से दे रहे थे और सभी प्रोग्राम में आकर बहुत ही खुश थे। रिश्तेदारों के आने का सिलसिला लगातार चल रहा था। फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा सभी जगह से हमारे रिश्तेदार आए हुए थे। धर्मकोट में जो हमारे मित्र थे वो भी लगातार आ रहे थे। बाहर टेंट लगा हुआ था, वहां से खाना खाकर सभी अंदर जा रहे थे। ये सिलसिला लगातार चल रहा था। इसी बीच अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से लगातार कीर्तन चल रहा था और कीर्तन में नाचने का दौर शुरू हो गया। सभी बहुत खुश थे और हर्षोल्लास से अंदर नाचने लगे। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार शर्मा परिवार के कीर्तन में सारा शर्मा परिवार बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास से नाच रहा है, प्रभु के गुणगान में मग्न है। जय श्री राम। Hellcat.
like a Hellcat. कीर्तन करते करते माता जी की चुनरी मेरे ऊपर ओढ़ दी गई। ये भी एक रस्म होती है। जो आंटी कीर्तन कर रहे थे उन्होंने ये चुनरी मेरे ऊपर दे दी और सभी लोग मेरे आसपास नाचने लगे और माता रानी की भक्ति की धूम में सभी मग्न हो गए और सभी बड़े ही प्रेम और हर्षोल्लास के साथ नाचने लगे और जो आंटी कीर्तन कर रहे थे वह फूल बरसाने लगे और सभी बहुत खुश थे और बड़े ही प्यार से नृत्य कर रहे थे। बीच पापा का टीचिंग स्टाफ और पापा के कॉलोनी के मित्र और फिर मम्मा का टीचिंग स्टाफ इसी प्रकार बीच में लगातार आते रहे और मम्मा पापा से मिलते रहे। अंदर कीर्तन लगातार चलता रहा और फिर कीर्तन के बाद घर में पूजा होनी थी। अब घर में पूजा होने वाली थी और पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी कर ली गई और उसके पश्चात एक दीपक जलाया गया और आरती की थाली तैयार की गई। फिर सबसे पहले मम्मा पापा ने और फिर घर के सभी सदस्यों ने आरती की और फिर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। Thank you.
मेरे मम्मा का यानी साक्षी जी का टीचिंग स्टाफ उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सा गिफ्ट लेके आया। फिर से कीर्तन हुआ और फिर से हमारा परिवार धूमधाम से खुशी से नाचने में मग्न हो गया। सभी बहुत खुश थे और बहुत ही खुशी से नाच रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे और इस पल को अपनी आँखों में बसा कर रखे हुए थे। फिर पूजा हुई और फिर सभी को प्रसाद दिया गया और फिर आशीर्वाद लिया गया। पूजा होने के बाद प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के बाद सभी हमारे घर के सदस्य ही रह गए थे। वह जो उपहार जो गिफ्ट हमारे लिए लाए थे सभी ने प्रेम पूर्वक हमें वो गिफ्ट दिए और फिर सभी परिवार के सदस्यों ने एक साथ तस्वीरें खिंचवाई, बहुत सी ग्रुप फोटो हुई और सभी ने काफ़ी तस्वीरें खिंचवाने के बाद थोड़ा टाइम आराम किया। फिर शाम को मम्मा पापा के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया गया था। उनकी इस दिन एनिवर्सरी भी थी और एनिवर्सरी के लिए एक सुंदर से केक का प्रबंध किया गया और फिर शाम की पार्टी की तैयारी की गई। घर के सभी सदस्य ही रह गए थे, उसी के लिए बढ़िया खाने पीने का प्रबंध किया गया, म्यूजिक सिस्टम का प्रबंध किया गया, फिर शाम की पार्टी की तैयारी की गई। इस बीच सारे परिवार वाले एक साथ ग्रुप फोटो करवाते रहे और हमने यह एक सीक्रेट पार्टी की तैयारी की और इसके पश्चात अब हम आपको उस पार्टी की तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सामने वाले घर से हमारे घर की बड़े ही सुंदर तरीके से बड़े ही अच्छे एंगल से फोटोएं खींची गई जिसमें हमारा घर पूरे तरीके से दिख रहा है। और इसके पश्चात हमने फिर केक लाए और केक काटने की सेरेमनी की, मम्मा पापा की एनिवर्सरी मनाई, सभी ने उनको बधाइयां दी और फिर घर परिवार वालों ने एक साथ मिलकर डांस किया। Oh,
Hellcat. बहुत देर तक हमारे परिवार वाले एक साथ डांस करते रहे और फिर अंत में कैमरामैन ने हमारे परिवार की, हम चारों की बहुत ही सुंदर तस्वीरें खींची और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे। और अगर आपको ये फैमिली व्लॉग, ये फैमिली वीडियो, हमारे घर की मुहूर्त की वीडियो ये अच्छी लगी और इसी तरह के फैमिली व्लॉग, फैमिली वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।